मिड कैप मेरे हिसाब से ओवरवैल्यूड है, लार्ज कैप से भी ज्यादा ओवरवैल्यूड है स्मॉल कैप से। सभी को नमस्कार, मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके साथ स्मॉल और मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा है, लेकिन इसके बीचों बीच निवेश की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोज अजीज। फिरोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि इस मार्केट में जो हम तेजी देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, क्या निवेशक को सावधान होने की जरूरत है? अवनी जी, देखिए, सावधान होने की उसको जरूरत है जो ट्रेडिंग कर रहा है, जाहिर सी बात है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो लक्ष्य है आपको 6 महीने में पूरी करनी है तो पहले तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए। तो दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। अगर आपकी 3 से 5 साल की अवधि है तो इससे घबराना नहीं, इससे आपको खुश होना है और हिम्मत रखनी है, क्योंकि मार्केट ने कॉर्पोरेट अर्निंग्स को रिकग्नाइज किया है, मार्केट ने जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है उसको रिकग्नाइज किया है। 1.5-2 साल बाद आपकी मार्केट्स चल रही हैं। अक्टूबर 2021 में 18,500 की लेवल देख चुके हैं हम। मार्च 2023 तक मार्केट कहीं नहीं गई, घूम फिर के वहीं आ गई। कभी यूक्रेन की वॉर हो गई, कभी यूएस का इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट पे दबदबा बना रहा। तीसरी बात यह है कि इंडिया जो आज स्थिति में है, ऐसी स्थिति इंडिया की कभी अच्छी नहीं थी। जब भी दुनिया तकलीफ में होता था कि इंडिया और उसके बड़ी तकलीफ में होते थे, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लें, जब टेपरिंग हो रही थी तो इंडिया को फ्रेजाइल 5 में गिना गया था, मतलब कमजोर नाजुक इकोनॉमियों में गिना गया था। आज जब देश पूरा विश्व तकलीफ में है, इंडिया तकलीफ में नहीं है, क्योंकि महंगाई आज भी कंट्रोल में है। इंडिया की जो महंगाई है वो 10 साल की जो एवरेज महंगाई है उससे कम है, ब्याज दरें 10 साल की एवरेज से कम है। तो इंडिया के लिए जो बिजनेस एज यूजुअल है, जो रोजमर्रा की जिंदगी का काम है, वो विश्व भर के लिए बड़ी तकलीफ हो चुका है। सो आई डोंट थिंक अ पर्सन हैज टू वरी। बट ये कहने के बाद उम्मीदें जो हैं इक्विटी मार्केट से लोगों की बड़ी गड़बड़ा गई है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि इक्विटी कभी नीचे ही नहीं जाएगी, मेरे खरीदते फिर ऊपर ही जाएगी। ये ऐसी उम्मीद करना एक्सपेक्टेशन में मिसमैच है। तो मार्केट गिरेगी ये मान के चले, आपको अपने अपने लक्ष्यों को देख के 10-15 साल होल्ड करना है, तो FD से 2 से 3 गुना की रिटर्न मिलनी प्रोबेबिलिटी उसकी 90-95% की संभावना है। जी, अब बढ़ते हैं स्मॉल और मिड कैप फंड्स की ओर। क्या आपकी राय ये है कि अब भी इसमें निवेश बढ़ाया जा सकता है? अपनी जी, स्मॉल और मिड कैप दोनों बहुत अलग कैटेगरी है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम सेम क्षण में इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। मिड कैप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 150 कंपनियां, स्मॉल कैप 2,500 है, 3,000 है ट्रेडेड, राइट। तो दोनों को बहुत अलग देखना चाहिए, ये एक प्रथा हमें करनी चाहिए। मिड कैप मेरे हिसाब से ओवरवैल्यूड है, लार्ज कैप से भी ज्यादा ओवरवैल्यूड है स्मॉल कैप से। मिड कैप की जो 150 कंपनियां हैं उसकी जो पोटेंशियल है वो में हमें इन तीनों श्रेणियों में से सबसे कम उसी में मिड कैप में पोटेंशियल दिखती है। नाउ कमिंग टू स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में बहुत सारे फंड्स हैं, 2-3 फंड्स हमें लगता है कि वो रिस्क ठीक से मैनेज कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्मॉल कैप का पैसा लग रहा है तो रिस्क को मैनेज करने की जो क्षमता होती है फंड मैनेजर की वो बहुत अहम हो जाती है। तो उस आधार पे और रिटर्न की पोटेंशियल पे हमने 2-3 फंड चूज किए, राइट। सो आई पर्सनली थिंक आज भी बहुत अच्छा समय है। इनफैक्ट पहली बार इंडिया के रिटेल निवेशक इतनी स्मार्ट काम कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में ढेर सारा पैसा आ रहा है जी। और वो तब आ रहा है जब 5 साल से स्मॉल कैप नहीं चले, तो ये पहली बार इतनी स्मार्ट चीज इंडियन रिटेल कर रहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस को इतना अच्छा ना देखते हुए भी ढेर सारे पैसे डाल रहे हैं। वरना हमेशा जब परफॉर्मेंस आ जाता था लास्ट में आते थे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर, फिर उनके पैसों पर ही आंच आती थी जी। तो स्मॉल कैप फंड की बात करें, एक निवेशक के लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा इसमें फंड सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अवनी जी, जो फंड सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में तो और भी इंपॉर्टेंट है, और रिस्क के आधार पे करना चाहिए ना सिर्फ रिटर्न के, राइट। सो मेरे हिसाब से ये एडवाइस रहेगी, पहले स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो 3 से 5 साल में निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस करने की स्मॉल कैप की बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि 5 साल से अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। ऐसा जब भी पास्ट में हुआ है, फ्यूचर के 3 साल में स्मॉल कैप ने उल्टी कर दी है चाल और निफ्टी को मात दी है, तो ये भी ये होने की संभावना अगले 3 साल में काफी है, बट 3 साल का वक्त दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि स्मॉल कैप में जो आपकी स्कीम सिलेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक स्मॉल कैप फंड है जो आपको दूसरे स्मॉल कैप फंड से 50% की अंतर दे सकता है रिटर्न की 1 साल में, तो डिस्पर्शन इतनी ज्यादा है कि एक स्मॉल कैप फंड ही खरीदा, म्यूचुअल फंड ही खरीदा, तो एक में आपके पैसे 10% से बढ़ सकते हैं, दूसरे में 40 से, 1 साल की बात करो मैं 10 साल की नहीं। तो इतनी अगर डिस्पर्शन हो तो माइक्रोस्कोपिक लेंस से आपको चूज करना चाहिए, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेनी चाहिए, वरना आप नीजी का शो देख के जो भी स्कीम वो रेकमेंड करती हैं अनबायस्ड फैशन में वो खरीदना चाहिए। जी, तो आपकी कुछ रेकमेंडेशंस है कि इस वक्त किस तरीके के स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं? अब नीजी मैं आपको स्कीम के नाम ही बता सकता हूँ जो मॉडल पोर्टफोलियो में है। ये इस आधार पे नहीं है कि पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पे, फ्यूचर की पोटेंशियल पे भी नहीं है, सबको सब वेरिएबल्स को एक संतुलन के हिसाब से हमने 3 स्कीम्स चूज की है, इन्वेस्टको स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप एंड लास्टली आदित्य बिरला स्मॉल कैप। जी जी, अगर आप स्मॉल कैप खरीद रहे हैं, अमनी जी एक लास्ट पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा, हाँ जी, हाँ जी, खरीद रहे हैं तो तीनों खरीदें, 500-500 के भले ही खरीदें बट तीनों खरीदें, क्योंकि ऐसा काफी बार हो सकता है कि भाई एक ना चले, एक अच्छा ना निकले, राइट, तो बाकी दो संभाल लेते हैं। अगर एक ही खरीदा और वो अच्छा ना निकला तो रिस्क बढ़ जाए। जी जी, और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है इस वक्त स्मॉल कैप फंड में, तो क्या वो करना चाहिए या फिर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जैसा कुछ करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जरूर लमसम कर देना चाहिए और एक मेमोरी लॉस करनी चाहिए कि मैंने डाला हुआ है और उसको भूल जाना चाहिए जी। फिर 5 साल बाद डिब्बा खोल के देखेंगे तो आपको मायूस नहीं कर सकते। जी, और आखिरी सवाल फिरोज, ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए क्या स्ट्रेटजी, एलोकेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस वक्त? कुछ रीबैलेंसिंग की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्शन जो भी करना है करें, स्मॉल कैप मिड कैप, बट एसेट एलोकेशन में 60% इक्विटी नहीं है तो बाकी सब डिबेट पॉइंटलेस हो जाती है, तो एटलीस्ट 60% इक्विटी में रखें फॉर लॉन्ग टर्म मनीज, राइट। ऐसा कोई बंदा नहीं, कोई शख्स नहीं है जिसने 10 साल के लिए एसेट एलोकेशन फॉलो किया और पैसे डेट से ज्यादा ना बने। अच्छी स्कीम सेलेक्ट कर लें, वो सेकंड स्टेप है, वो भी करना बहुत महत्वपूर्ण है, बट 60% इक्विटी तो लाएं। कितने सारे पोर्टफोलियोस हैं जिसमें 10% इक्विटी होता है, 15% इक्विटी होता है, घंटों पर बिताते हैं हम कि यार मिड कैप खरीदूं स्मॉल कैप खरीदूं, बट 20% पे जितनी भी मेहनत कर लो आपकी लाइफ की गोल्स पूरी नहीं कर सकते, तो 60% इक्विटी मिनिमम रखें। इंडिया की अगर ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू पुट ले योर चिप्स, दैट्स द सबमिशन। जी बिल्कुल फिरोज, इतनी सरलता से सारी चीजें समझाने के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते।